Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friends, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इटली के बारे में. इटली, यहाँ इटली एक यूरोपियन कंट्री है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं. बहुत ही फेमस कंट्री है, हिस्टोरिकल कंट्री है. एक इटली हर साल 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन करता है. जी हाँ, 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए, जो गैर मुल्की लोग हैं उनके लिए इमिग्रेशन ओपन होता है. उसमें बहुत सारे टाइप के वीजा जो है वो प्रोवाइड करता है. उसमें एक वीजा होते हैं सीजनल वीजा. सीजनल वीजा जो टेम्पररी वीजा होते हैं जिनकी मुद्दत तकरीबन 9 मंथ की होती है, 9 महीने के लिए होता है वो वैलिड. उन वीजा की बेस पे वो तकरीबन 18,000 के करीब लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, इटली इमिग्रेशन देता है. अब ये जॉब्स किस इंडस्ट्री में होती हैं, ये जॉब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होती हैं. सबसे पहले ये जॉब्स जो होती हैं वो होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड. ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स को जो है वो वीजे दिए जाते हैं, सीजनल वीजे. जब सीजन होता है किसी क्रॉपिंग वगैरह का, या जो फसल होते हैं वहाँ पे, जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल फार्म्स होते हैं, उनके लिए जो है वो वीजे इशू किए जाते हैं, सीजनल वीजे. इसके अलावा जो दूसरा इसमें है ट्रेड, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिज्म से रिलेटेड वीजे दिए जाते हैं, सीजनल वीजे अलाउ करता है इटली अपने जो है वो बिजनेस करने वाले लोगों को, जो टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और टूर ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती हैं जिनका काम चलता है टूरिस्ट बेस्ड जो कंपनी, टूरिस्ट पे जो रिलेटेड होती है. जब टूरिज्म का सीजन आता है तो उनको स्टाफ चाहिए होता है, तो वो लोग बाहर से हायर करते हैं. गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि आप बाहर से बंदे हायर कीजिए, क्योंकि एक सीजन होता है ज़्यादा ठंडे मौसम में ज़्यादा वो नहीं जाते टूरिस्ट. जब मौसम गर्म होना शुरू होता है तो ज़्यादा टूरिस्ट लोग जो है वो टूर पे आते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, और जाते हैं इटली भी जाते हैं वो सारे लोग. तो इन वीज़ा के लिए, इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आसानी से मिलती हैं ये जॉब्स. अगर आपका कोई जान पहचान वाला वहाँ पे है इटली में, तो वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है, आपके लिए कोई एम्प्लॉयर ढूंढ सकता है, क्योंकि डिमांड होती है. काफ़ी सारे लोगों को वीज़े दिए जाते हैं. हर साल ये प्रोग्राम शुरू होता है, हर साल इमिग्रेशन स्टार्ट होता है इटली का. 18,000 के करीब लोगों को जो है वो सीजनल वीजे दिए जाते हैं. वो सारे लोग जाते हैं, 9 महीने का वीजा होता है ये. इस बेस पे जाके इटली में वो लोग काम कर सकते हैं. और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपका कोई जानने वाला वहाँ नहीं है तो आप खुद विजिट पे जा सकते हैं. जब ये स्टार्ट हो रहा होता है, जब नया साल स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम आप जाके अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं. आपको ये वीज़ा मिल सकता है आसानी से. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ इसके एग्रीमेंट किए हुए होते हैं इटली के, उनकी गवर्नमेंट्स के साथ इमिग्रेशन के हवाले से. तो वीज़े दिए जाते हैं इसमें, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली, श्रीलंकन वगैरह भी शामिल हैं. क्योंकि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं वो उर्दू में या हिंदी में बनाता हूँ, तो मेरे जो ज़्यादातर व्यूवर्स हैं वो इन्हीं कंट्रीज से हैं जिनको समझ में आती है मेरी लैंग्वेज, इसलिए मैं इन्हीं कंट्रीज़ का नाम लेता हूँ. वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के लोगों के लिए होती हैं वीज़े, लेकिन जो मेरे मेन जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये मेरी लैंग्वेज समझ में आती है, वो लोग इन कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो इन वीजाज पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई जान पहचान वाला उधर है. अच्छा, अब क्या होता है कि एजेंट के चक्कर में लोग चले जाते हैं. ठीक है, एजेंट यहाँ पे 99% एजेंट जो है फेक है. एक तो वो आपसे 12-15-20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जो एक आम आदमी के पास नहीं होते. तो आप लोग जाए शेंजन वीजा लें किसी कंट्री का, और आप इटली जाएं. ठीक है, उस सीजन में जाएं जब ये इमिग्रेशन स्टार्ट हो रही होती है, नया साल जब शुरू होता है उस टाइम आप जाएं. ठीक है, उस दौरान जाके आप अप्लाई करें, एम्प्लॉयर ढूंढें, आपको जॉब आसानी से मिलती है वहाँ पे. ठीक है, टेम्पररी जॉब जो है, टेम्पररी वीज़ा 9 महीने का आपको मिल जाता है. 9 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप देखा जाए तो. आपके पास एक यानी सर्वाइविंग के लिए एक अमाउंट आ रहा होता है सैलरी की सूरत में, और आप वहाँ पे रह के आप अपने लिए एक परमानेंट जॉब ढूंढ सकते हैं, परमानेंट आप अपने लिए जो है बंदोबस्त कर सकते हैं. क्योंकि जो यूरोप जाते हैं वो वापस तो नहीं आते, ज़्यादातर यही होता है. यूरोप जाने के बाद वापस कोई नहीं आता, वो हर बंदा की कोशिश यही होती है वहाँ जाके सेट हो जाए. ठीक है,
तो सेट होने के लिए क्या होता है कि आपको एक टेम्परेरी, एक सर्वाइविंग के लिए एक अमाउंट चाहिए होता है, एक छोटी सी जॉब चाहिए होती है। तो उस हिसाब से ये सीजनल जॉब जो है ये आसानी से मिलती हैं, हर साल के स्टार्ट में ये स्टार्ट होती हैं, एप्लीकेशन जाती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, या तो आपको कोई जानने वाला इटली में हो जो आपके बिहाफ पे वो वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करे, या तो फिर आप खुद विजिट पे जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है विजिट कर, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन एजेंट होता है, एजेंट जो है वो 99% फेक है, आपका पैसा खा जाते हैं ज्यादातर। प्रोसेस आपको पता नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रोसेस के बारे में, मैं आपको प्रोसेस के लिए गाइड करूंगा कि क्या प्रोसेस होता है, वीजा का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने लिए जॉब्स, लेकिन उस सूरत में जब तक आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है वहां पे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी इजीली जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि रेफरेंस के बगैर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वहां पे कोई होता है बंदा तो वही आपके लिए अप्लाई कर सकता है, या आप खुद वहां प्रेजेंट होते हो तो आपके लिए आसानी होती है। तो हर साल इटली में ये इमिग्रेशन ओपन होती है, 30,000 लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन होती है, 30 से 32 हज़ार लोगों को इमिग्रेशन दी जाती है। तकरीबन 17-18 हज़ार जो है वो सीजनल वीजे जो है वो जारी किए जाते हैं। तो सीजनल वीजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सीजनल वीजे पे आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। छोटी जॉब्स होती हैं, वेटर्स वगैरह की जॉब्स होती हैं, सेल्समैन की जॉब होती है, क्लीनर्स की जॉब होती है, डिश वॉशर्स की जॉब होती है, जो होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो लोग आते हैं टूरिस्ट का ज़्यादा फ्लो होता है इस सीज़न में, यानी जो सीज़न होता है टूरिस्ट का सीज़न, तो उनको टेम्पररी चाहिए होता है स्टाफ। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसके लिए स्टाफ चाहिए होता है टेम्पररी, क्योंकि सारा साल तो वो लोग क्रॉपिंग नहीं करते, सारा साल हार्वेस्टिंग नहीं होती है, तो सीज़न में उनको स्टाफ चाहिए होता है। जब ये हार्वेस्टिंग का सीज़न स्टार्ट होता है या फसल की जो उगाते हैं जो स्टार्ट करते हैं उस टाइम इनको ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता है, फार्मर चाहिए होती हैं, तो उसके लिए वीज़े जारी किए जाते हैं टेम्पररी 9 महीने के। ठीक है, पर जब बंदा वहाँ पे रहता है 9 महीने वहाँ पे रहता है गुजारता है, उसको समझ में आ जाता है, इस दौरान वो अपने लिए बेटर जॉब जो है वो सर्च कर सकता है, अपने लिए एक परमानेंट जॉब सर्च कर सकता है बंदा। ठीक है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा के थ्रू आप जाएँ यूरोप, जाएँ यूरोप जाके आप सर्च कीजिए, जॉब मिलना मुश्किल नहीं है यूरोप में। मुश्किल क्या है, यूरोप में एंट्री करना, एंट्री करना ज़्यादा मुश्किल है यूरोप में। क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या आप हमारे डॉक्यूमेंट बना दोगे? तो भाई सबसे पहली बात यह कि मैं फेक डॉक्यूमेंट्स किसी के लिए नहीं बना सकता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, आप जाएँ एजेंट के पास जाएँ और फेक डॉक्यूमेंट बनवा लें। ठीक है, मैं ये काम नहीं करता हूँ, फेक कोई भी काम मैं नहीं करता, इससे रिलेटेड आप उसे पूछिए भी नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने जो हमें नंबर दिया है उस पर कॉल नहीं जाती, बिल्कुल उस नंबर पे कॉल नहीं जाएगी, वो सिर्फ मैंने व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया हुआ है। मैं पर्सनल नंबर अपना सिर्फ खास लोगों को देता हूँ, हर किसी को नहीं देता। जनरल इंक्वायरीज के लिए जो नंबर है वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू ही मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मैं अपना पर्सनल नंबर लोगों को देना शुरू कर दूँ ऐसे ही हर किसी को, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास जो कॉल्स आती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, तो मैं हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एक व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, वो हर किसी के लिए, कोई भी बंदा उस व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरे फेसबुक पेज के जरिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर खाली मैं खास लोगों को देता हूँ, जिनका जीनियन केस होता है जो मेरे पास आता है, सिर्फ उन लोगों के लिए है मेरा पर्सनल नंबर, बाकी किसी के लिए नहीं है। जनरल इंक्वायरीज का जवाब मैं खाली सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसमें जो मैसेज करते हैं उसके थ्रू देता हूँ। पर्सनल नंबर्स नहीं देता मैं किसी को, फ़ोन करने वाला नंबर किसी को नहीं देता, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। इस टॉपिक पे मुझसे सवाल ना पूछें, जनरल इंक्वायरीज हैं आपकी, मैं नंबर नहीं दूंगा आप लोगों को, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं इतनी कॉल हैंडल नहीं कर सकता। हर बंदे को अगर मैंने नंबर बांटना शुरू कर दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, मैं कभी मेरे और भी बहुत सारे काम है, ऑफिस में बिजी होता हूँ, कभी कहीं बिजी होता हूँ, तो मैं
पर्सनल नंबर नहीं देता, जिस पे कॉल आती है वो नंबर नहीं देता, वो नंबर खाली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरे परमानेंट क्लाइंट होते हैं या जो ऑथेंटिक सवाल होते हैं, जिनकी ऑथेंटिक एक इंक्वायरी होती है उनके लिए। जनरल इंक्वायरीज सिर्फ मैं व्हाट्सएप के थ्रू आंसर करूंगा उनका, और जो मैं नंबर देता हूँ वो सिर्फ व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज किया करें, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपसे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी यूएई से बाहर हूँ। बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं लोग, क्या आप यूएई में है? मैं यूएई में ही सेटल हूँ, लेकिन मैं अभी यूएई से बाहर हूँ। तो ये सवाल भी आप मुझसे बार बार नहीं पूछा करें कि आप यूएई में, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, जो भी केसेस आप मुझे देते हो वो ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, उसके लिए मिलने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आज की ये वीडियो खत्म करूंगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स में लिख के आप मुझसे पूछें, मैं कमेंट में अपना नंबर शेयर करता हूँ लोगों के साथ, जो जीनियन जिसका सवाल मुझे लगता है उसके साथ मैं शेयर करता हूँ अपना नंबर। उसके अलावा जो मेरे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, जो मेरे मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, फेसबुक के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ। ईमेल के थ्रू मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाएँ। उसके साथ जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।